हेलो एस्पायरेंट्स, 24 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये नाउ न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, फाइनली कंपेंसेशन फॉर वुमेन इन ओरिशाज विलेज ऑफ विडोज। तो यहाँ पे ये ओरिशा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, मदर गजोड़ी विलेज। तो यहाँ पे देखा गया है कि काफी सारे मेल मेंबर्स जो एक पायरोफिलाइट माइनिंग कंपनी के लिए काम कर रहे थे, यहाँ पे माइनिंग कंपनी को लीज दिया गया था 1982 में, तब से यहाँ वो फंक्शन कर रहे थे और काफी सारे मेल मेंबर्स यहाँ जो एम्प्लॉयड थे वो यहाँ पे ये पायरोफाइलेट को ग्राइंडिंग करते थे, उसका पाउडर बनाते थे। तो उसमें यहाँ पे वो सिलिका इनहेलेशन होता था, तो सिलिका इनहेलेशन से ये ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, मतलब जो आप जॉब करते हो, जो आप काम करते हो उसकी वजह से आपको डिजीज होती है, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो ये प्रिवेंटेबल है, अगर प्रिकॉशंस लिए जाए तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये लंग डिजीज है जिससे वो अफेक्ट हो गए और काफी सारे मेंबर्स की यहाँ डेथ्स हो गई। तो ये एक एनजीओ ने यहाँ पे ये कॉज उठाया, उन्होंने एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पिटीशन किया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि इन्वेस्टिगेशन करे और उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और 50 में से उनके सामने आया कि 29 डेथ केसेस जो है उन्होंने अग्री किया है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कि वो सिलिकोसिस से रिलेटेड है और यहाँ पे अब लेबर कोर्ट ने कंपेंसेशन अनाउंस किया 46 लाख रुपीस का। तो ये न्यूज है, तो वही है, ये सिलिकोसिस जो एक प्रिवेंटेबल डिजीज है लेकिन ये कंपनी ने यहाँ पे, वो कंपनी को ही पे करना होगा, उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ताकि ये सिलिका इनहेलेशन ना हो। तो ये लंग्स में जमा होके इवेंचुअली इससे डेथ्स भी हो जाती है। और ये पायरोफाइलाइट है जो एक मिनरल है, इसको यूज किया जा सकता है सेरामिक्स, व्हाइट सेरामिक बनाने के लिए, प्लास्टिक फाइबर ग्लास में भी यूज किया जाता है, इवन टाल्क और सोपस्टोन की जरा अल्टरनेटिव की तरह भी ये इसका पाउडर यूज किया जाता है, पायरोफाइलाइट। फिर अगला न्यूज आइटम है, वंस अ हीरो नाउ व्हाइट एलिफेंट। तो ये है INS वागली के बारे में। तो ये इंडिया की सबमरीन थी जिसको अब डीकमीशन किया गया, तो ये बन सकती थी इंडिया की सेकेंड सबमरीन म्यूजियम, पर ये हुआ नहीं है अब तक। तो ये 36 इयर्स तक ऑपरेशन में थी और फिर जब इसको 2010 में डीकमीशन किया गया तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु देन मिस जयललिता ने कहा कि उन्होंने कि ये हम इसको सबमरीन म्यूजियम बनाएंगे। तो ये इसके लिए इवन सब यहाँ पे मिनिस्टर्स जो थे उनके, टूरिज्म मिनिस्टर, इन्होंने विशाखापट्टनम में विजिट भी किया क्योंकि यहाँ पे इंडिया की पहली सबमरीन म्यूजियम है INS कुरसुरा। तो यहाँ पे विजिट करके उन्होंने स्टडी भी किया और ये INS वागली जो चेन्नई पोर्ट पे डॉक थी इसके लिए प्लान बनाया गया कि ये टूरिस्ट टाउन जो है ममल्लापुरम, यहाँ पे महाबलीपुरम जो कहा जाता है, यहाँ पे रथ से यहाँ पे शो टेम्पल जो है इसके पास, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास, यहाँ पे इसको डॉक किया जाएगा, इसको स्टेशन किया जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे एक माउंट करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया गया और ये कॉन्ट्रैक्टर ने INS वागली को तो चेन्नई पोर्ट से यहाँ तक उसको लेकर गए ट्रैक करके, एंड फाइनली जब वो वहाँ पहुंचे तो उनको पता चला कि वो इसको माउंट नहीं कर सकते वहाँ पे, तो ये फेलियर की वजह से उन्होंने फिर से उसको चेन्नई पोर्ट पहुंचाया। तो ये पूरा जो है इसमें काफी सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे अराउंड 4.41 करोड़ उन्होंने कहा है कि ये एक्सपेंडिचर हुआ है और कुछ रिजल्ट नहीं आया, मतलब प्लानिंग नहीं की गई और इसको पूरा ये स्टेप्स लिए गए। और INS वागले पे काफी सारे एक्सीडेंट्स भी हो गए थे, वर्कर डेथ्स भी हुई है यहाँ पे क्लीनिंग के टाइम पे, इवन एक पिटीशन मद्रास हाईकोर्ट में फाइल किया गया कि सबमरीन जो है इतना बड़ा वॉल्यूम स्क्रैप है जिसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकते और डिजास्टर हो सकता है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दिया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन का फंक्शन है। सबमरीन काफी अभी डैमेज भी हो गई है बिकॉज ऑफ साइक्लोन वर्दा जो दिसंबर 2016 में चेन्नई कोस्ट पे हुआ था, स्ट्राइक हुआ था। तो ये है वागली, INS वागली जो अब तक स्टेशन है यहाँ पे चेन्नई कोस्ट पे सिंस इट वाज डिकमिशन्ड इन 2010। तो ये कैग रिपोर्ट में सामने आया है। फिर ये महाबलीपुरम है जिसको ममल्लापुरम भी कहते हैं, सिटी ऑफ ममल्ला, जो पल्लवा रूलर थे नरसिम्हा वर्मन जिन्होंने आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट किया था रथ्स का। तो ये रॉक कट रथ्स है, सिंगल रॉक से पूरे रथ्स बनाए गए, 5 रथ्स है यहाँ पे। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये जो एक शो टेम्पल है महाबलीपुरम की वो कोस्ट पे है, यहाँ पे इसको स्टेशन करना था INS वागले को। फिर अगला न्यूज आइटम है, कैग फ्लैग्स डिले इन वर्क ऑन कॉर्वेट्स। तो ये कॉर्वेट्स के बारे में, कॉर्वेट्स का मतलब होता है छोटी शिप, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स है, मतलब जो
कंट्रीज होती है जिनकी कोस्ट लाइन है, तो उनको चाहिए कि अपनी कोस्ट लाइन को वो सबमरीन से प्रोटेक्ट करे, तो इसलिए वहां पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स वो डेवलप करते हैं। और इंडिया ने भी ये इंडिजिनियसली डेवलप करने के लिए स्टेप्स लिए और GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो इसको नेवी ने पूरा स्पेसिफिकेशन भी नहीं दिया, लेटर ऑफ इंटेंट उन्होंने दिया कि हमको ये डेवलप करना है 2003 में, और फिर उन्होंने डिटेल स्पेसिफिकेशन बाद में दिए, फाइनलाइज किया इसको 2006 में, और उसके बाद उसको मॉडिफाई करते रहे टिल 2008। कैट कह रही है कि उसको 24 टाइम्स उन्होंने अपने अप्रूव्ड डिजाइन मॉडिफाई किए, अमेंड किए हैं, लास्ट वाला अमेंडमेंट उन्होंने लास्ट ईयर 2016 में किया है। तो इस वजह से ऑफकोर्स प्रोजेक्ट कॉस्ट काफी इंक्रीज हो गया है, वो एक पॉइंट रखी जा रही है। और अब तक डिलेज जो हुए GRSE ने इनको दिया भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कॉर्बेट को डिलीवर करना था जुलाई 2014 में, फिर सेकेंड 2015 में आनी थी, लेकिन ये डिले हो गई है। तो ये INS जो कॉर्बेट से चार है एक्चुअली जो डिलीवर करनी थी, कमोर्ता, कदमत, किल्टन और कवारत थी। तो ये नाम दिए गए इनको रीजन्स इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो INS कमोर्ता अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रीजन है, कदमत, किल्टन और कवारत्ती तो लक्षद्वीप का कैपिटल है, ये तीनों लक्षद्वीप के रीजन है, तो इनके बीच इनके नाम पे दिया गया। तो ये एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हम यहाँ डेवलप करके स्टेशन करना चाहते थे, ताकि कोई सबमरीन एनिमी कंट्री की सबमरीन हमारे पास आ रही है तो हम ये वॉरशिप से उनको उनको उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये अंडर वाटर नॉइज सिग्नेचर इनका काफी लो होता है, रडार क्रॉस सेक्शन लो होता है, तो ये स्टेल्थ कॉर्वेट्स थे जो हम इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे थे फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इवन कैग ने कहा है कि अब तक जो कॉर्वेट्स हमने ऑलरेडी इंडक्ट किए उनमें भी कंप्लीट ट्रायल्स नहीं हुए, फर्स्ट कॉर्वेट के सी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स भी उनके जो वेपन्स है उनके पेंडिंग है, तो सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन इनका पेंडिंग है। और इवन हार्बर एक्सेप्टेंस ट्रायल्स भी सेकेंड कॉर्वेट जो ऑलरेडी आ गई है उनका पेंडिंग है, और थर्ड एंड फोर्थ डिलेड है। ये सारा उन्होंने मेंशन किया। कॉस्ट जो था ओरिजिनल कॉस्ट सैंक्शन था 3051 करोड़ का, लेकिन क्योंकि डिजाइन बार बार चेंज की गई, मॉडिफिकेशन किए गए, मेजर डिजाइन मॉडिफिकेशन किए गए, उसकी वजह से कॉस्ट अब हो गया 7852.39 करोड़। फिर अगला न्यूज आइटम है, रशिया कीन ऑन सेलिंग मिग 35 जेट्स टू इंडिया। तो ये नई फाइटर जेट्स है रशिया की, तो वो कह रहे हैं कि ये इंडिया ने भी इंटरेस्ट बताया है मिग 35 के लिए, और क्लेम करते हैं कि लॉकहीड मार्टिन की US कंपनी की जो फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है F-35, उससे मिग 35 बेटर है। और मिग 35 मिग 29 फाइटर्स है, उनका सक्सेसर है, और इंडिया ने काफी मिग एयरक्राफ्ट यूज किए हैं लास्ट 50 ईयर्स में, हमने जो यूज किए मिग एयरक्राफ्ट, तो वो भी एडवांटेज वो दिखा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ, सुपर क्रूज स्पीड पे जा सकते हैं, वो एडवांस्ड कैपेबिलिटीज होती है। फिर अगला है असम, बंगाल, गुजरात फेस डेल्यूज। तो यहाँ पे फ्लड्स हो रहे हैं, असम में डेथ टोल फ्लड्स की वजह से 76 डेथ्स हो गई है, बंगाल में काफी सारी रिवर्स है जैसे कि शिलबती, द्वारका, क्वे रिवर्स, ये अबव डेंजर लेवल पे फ्लो कर रही है। इवन गुजरात में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड्स होने के चांसेस है, प्लस वहाँ पे भी अलर्ट है। और इवन गोदावरी रिवर में भी काफी हाई वाटर फ्लो हो रहा है, महाराष्ट्र में भी काफी अलर्ट साउंड किया गया है काफी सारे रीजन्स में। फिर अगला है फोरम कंसर्न एट सीक्रेट RCEP टॉक्स। तो ये RCEP के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, मेगा FTA डिस्कस किया जा रहा है, जो इसके 19th टॉक्स हो रहे हैं अभी इंडिया में इन हैदराबाद July 18-20, तो उस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज आ रही है। तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने वॉइस रेस कर रहे हैं कि यहाँ पे सीक्रेट टॉक्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसके कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं आते, तो ये क्यों ऐसे हो रहा है। अगर ये टॉक्स जो है ट्रेड रिलेटेड टॉक्स है तो इसमें सीक्रेसी क्या है। इवन वो कह रहे हैं न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के टॉक्स भी ओपन में होते हैं, सब पता चलता है, तो ये ट्रेड टॉक्स क्यों सीक्रेट में हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर इसके जो स्टेप्स ले जाएंगे वो पीपल को बेनिफिट करने वाला है, तो उसमें सीक्रेट रखने की क्या बात है। तो ये पॉइंट रेस की जा रही है। और वो कह रहे हैं कि RCEP में काफी सारे कंट्रीज जो इन्वॉल्व है, तो ये ओवरऑल 16 नेशंस है, दे अकाउंट फॉर 40% ऑफ वर्ल्ड GDP। तो ये भी एक पॉइंट रेस की जा रही है, इसके जो एरियाज वो अफेक्ट करेंगी, क्योंकि गुड सर्विसेज सबके ऊपर लिबरलाइजेशन लाया जाएगा,
ट्रेड लिबरलाइज किया जाएगा, बैरियर्स कम किए जाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटीज कम की जाएगी, तो इसकी वजह से काफी सारे सेक्टर्स अफेक्ट हो गए, जैसे एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मेडिसिन, इन्वेस्टमेंट, इवन ई कॉमर्स के ऊपर जो है एफटीए में निगोसिएशन हमने सुना है, डिस्कस किया है आरसीपी रिलेटेड, और भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं। प्लस यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंडोर्स करेगी कि इवन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी वो कहेंगे कि हमारा जो है ड्यूटीज आप एलिमिनेट करो, जिससे इंडिया के स्मॉल डेयरी प्रोड्यूसर्स हिट होंगे। और भी जो है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी एक कंसर्न है यहाँ पे, तो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए ड्रैग कर सकते हैं और वहां पे सू कर सकते हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी ला सकते हैं। तो इंडियन मॉडल बीआईटी जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, उसमें तो हमने स्पेसिफिक प्रोविजन रखा है कि जब तक नेशनल नेशनली आप यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेते तो तब तक आप उसको आर्बिट्रेशन को बाहर नहीं ले जा सकते, तो ये भी एक कंसर्न है। आरसीपी पे ये भी निगोशिएशन हो रहा है, तो ये पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं। फिर अगला है मेल्टेड फ्यूल फाउंड इन फुकुशिमा रिएक्टर। तो ये फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है जापान में, जहाँ पे सुनामी स्ट्राइक किया था इन 2011, तो यहाँ पे इस सुनामी की वजह से यहाँ पे जो पावर सप्लाई कट हुआ था, इस वजह से यहाँ का कोर जो है वो मेल्ट हो गया था और ये पूरा जो न्यूक्लियर फ्यूल था वो पूरा इस कंटेमिनेटेड वाटर वो ओशन वाटर में भी मिक्स होने के यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए गए थे। तो ये जो पावर सप्लाई स्ट्राइक हुआ था वो सुनामी की वजह से, अंडरसी अर्थक्वेक की वजह से, जो हाई स्केल पे था 9.1 रिक्टर स्केल पे ये सुनामी था, तो उस वजह से ये डिजास्टर यहाँ स्ट्राइक हुआ था। तो इसके बाद जो यहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है, तो अभी यहाँ रोबोट्स यूज किए जा रहे हैं डिटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे कितना न्यूक्लियर फ्यूल कितना है यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है जापान की कि इसको एटलीस्ट 4 डेकेड्स लगेंगे, क्योंकि अभी भी रेडिएशन काफी हाई है, तो क्लीनिंग ऑपरेशंस, डिकमिशनिंग ऑपरेशंस जो है वो स्लो हो रहा है इस रिएक्टर के लिए। इवन इवैक्यूएशन जोन अनाउंस किया गया है यहाँ पे पूरा, और ये यूएस और अदर वेस्टर्न पावर्स चाहते कि और ज्यादा इवैक्यूएशन जोन अनाउंस किया जाए। डेथ्स भी काफी हुई है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं बताती डिटेल्स, पर ये डेथ्स आप देख सकते हैं कि काफी इंक्रीज हुई है आफ्टर ड्यूरिंग दैट टाइम नॉर्मल डेथ रेट से। और जो वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, ये सेकेंड वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है, चेर्नोबिल डिजास्टर जो हुआ था 1986 में, वो वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पे वो 7 लेवल पे कहा जाता है। तो इस डिजास्टर में, चाहे सोवियत यूनियन में हुआ था, तो प्रेजेंट डे यूक्रेन में ये चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था। तो ये डिजास्टर भी एक्चुअली पावर सप्लाई ऑफ नहीं हुआ था, पर किया गया था टेस्ट करने के लिए। तो बैकअप पावर सप्लाई कैसे फंक्शन करता है उसको टेस्ट करने के लिए जब पावर सप्लाई कट किया गया तो पावर बहुत कम हो गया और इस वजह से ये पूरा डिजास्टर स्ट्राइक हुआ, द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो पावर सप्लाई जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है फिजन रिएक्शन होता है, तो अगर अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं उनके लिए पावर सप्लाई चाहिए, तो अगर पावर सप्लाई कट हो जाएगी तो इट्स अ डिजास्टर। तो ये है चेर्नोबिल 1986। फिर अगला है ईरान इराक साइन पैक्ट ऑन मिलिट्री कॉपरेशन। तो अब दोनों कंट्रीज के बारे में हम देख रहे हैं कि कॉपरेशन जो हो रहा है, तो अब यहाँ पे उन्होंने मिलिट्री कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन किया है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म। तो दोनों शिया कंट्रीज है अब, और दोनों में शिया पावर्स है, और इनका और इवन सीरिया, येमेन, ये कंट्रीज में भी जो शिया फाइटर्स है इनको ईरान बैक करती है, और ये ईरान और इराक क्लोज आए हैं आफ्टर सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट को टॉपल किया गया था 2003 में। तो अब दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर रही है, और ऑफ कोर्स दिस इज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ यूएस। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनके अगेंस्ट है, ईरान के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। तो ईरान इराक कोऑपरेशन अब स्ट्रेंथन हो रहा है, वो ये न्यूज है। और लास्ट न्यूज आइटम है एमपीसी मेंबर्स टू गेट 1.5 लाख पर मीट मस्ट डिस्क्लोज एसेट्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है पहले आरबीआई इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती थी, लेकिन अब 2016 से गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट अपॉइंटीज। तो ये इनके ऊपर मैंडेट है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेंगे, मतलब की इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट ये डिसाइड करेंगे, और पर्पस सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा। पहले मल्टीपल कंसिडरेशंस होते हैं, लेकिन अब डिसाइड किया गया एक ऑब्जेक्टिव होगा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड लेवल में रहना चाहिए, प्रेजेंटली इन्फ्लेशन टारगेट वही है 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए, प्लस एंड माइनस 2% अलाउड है।
तो ये पर्पस से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपॉइंट की गई है और अब गवर्नमेंट ने नए डिटेल्स लाए हैं कि जो गवर्नमेंट अपॉइंटीज है तीन उनके लिए 1.5 लाख रुपीज पर मीटिंग पे किया जाएगा और इवन एयर ट्रेवल और अदर रिइंबर्समेंट्स दिए जाएंगे। तो ये और एक जो पॉइंट बताई गई है कि इनको साइलेंट पीरियड ऑब्जर्व करना होगा कि ये 7 डेज बिफोर एंड आफ्टर द मीटिंग जब रेट डिसाइड किया जा रहा है तब ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे कंप्लीटली। और ये 3 RBI मेंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, हालांकि जो मीटिंग के लिए पेमेंट है वो इनके लिए नहीं है क्योंकि RBI गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर इनकी पे रिसेंटली इंक्रीज किए गए, बेसिक सैलरी डबल की गई है। RBI गवर्नर की सैलरी अब 2.5 लाख है और डेप्यूटी गवर्नर की 2.25 लाख है पर मंथ। तो वही है, तो यहाँ पे वही 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो सितंबर 2016 में इंस्टीट्यूट की गई, इनको एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर मिलना होता है लेकिन अब तक हम देख रहे हैं बाई मंथली मीटिंग्स होती है और यहाँ पे वोटिंग होता है पर पर्सन 1 वोट और मेजोरिटी से डिसीजंस होते हैं और RBI गवर्नर के पास कास्टिंग वोट है अगर टाई हो जाएगी। तो जो गवर्नमेंट अपॉइंटीज है उनके लिए 4 ईयर टर्म है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो वही है यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे ये तो सैलरी इंक्रीज हुई है वो है और इन्फ्लेशन टारगेटिंग, अगर उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग में ये फेल हुए तो उनको फिर रिपोर्ट सबमिट होती है गवर्नमेंट को करनी पड़ती है विद इन 1 मंथ ऑफ द फेलियर, इन्फ्लेशन टारगेट जब मीट नहीं हुआ। और रिसेंटली हमने देखा है जून मंथ के लिए इन्फ्लेशन लेवल्स बिलो 2% गए हैं। तो ये पॉइंट रेज की गई है पर ये ट्रांजिशनरी है कि ये जस्ट गोइंग टू स्टे इज ऑल्सो अ पॉइंट। और भी जो नोटिफिकेशन रिसेंटली लाई गई उसमें है कि इमरजेंसी मीटिंग्स भी कॉल की जा सकती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की और इवन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड अरेंजमेंट्स भी किए जाए कि शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग्स की जा सके। तो ये सब भी होगा और सारे मेंबर्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के उनको जो अपने प्राइवेट वो डीलिंग्स करते हैं विद बैंक्स वगैरह तो उसके अंदर उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो वो इंश्योर करना होगा और अपने एसेट्स और लायबिलिटीज एनुअली डिस्क्लोज करनी होगी। तो ये पॉइंट्स भी रखे गए और ये डिटेल्स है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मेंबर्स डिप्यूटी गवर्नर गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये मेंबर्स है और ये 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज भी है। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।